गुड इवनिंग एवरीवन। सर, आजकल खांसी, जुकाम, बुखार बहुत चल रहा है, तो ऐसे में एक वर्ड बहुत कॉमनली सुनते हैं, ब्रोंकियोलाइटिस। ये क्या होता है सर? ब्रोंकियोलाइटिस जो कुछ दिनों से नवजात शिशु हैं उनसे लेके 1 साल तक के बच्चों को जनरली बीमारी होती है, रेस्पिरेटरी सिंचल वायरस या एक दो वायरस और हैं जिनकी वजह से हो जाती है। जी बड़े जनों को ये होती भी है तो उन्हें पता नहीं चलती। तो इसमें सांस की नलियों में सूजन आ जाती है और बलगम या म्यूकस बनने लगता है बहुत बच्चे को, और ये शुरू के 3-4 दिन डिटोरिएट करती है, फिर स्टेबल होके ठीक होती है। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन इन यंग किड्स। आजकल इसकी वेव चल रही है। जनरली ये गंगा स्नान के आसपास होती थी हर साल, इस बार कुछ ज़्यादा आई है। अब जैसे डेंगू जा रहा है तो ब्रोंकोलाइटिस शुरू हो चुकी है और बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। सर, ऐसे में एक और वर्ड हम सुनते हैं, RSV। वो क्या होता है? RSV जैसे कोरोना वायरस है, फ्लू वायरस है, ऐसी रेस्पिरेटरी सिंचियल वायरस है ये। कोल्ड वाले वायरसों में से एक है, कोल्ड के बहुत सारे वायरस हैं एंड RSV इज़ वन ऑफ। ओके सर, ब्रोंकियोलाइटिस के क्या क्या सिम्टम्स बच्चों में देखे जा सकते हैं, जिसके बारे में पेरेंट्स को अवेयर होना सबसे ज़्यादा चाहिए? तो खांसी से भी ज़्यादा जो उन बच्चों में होता है वो तेज़ सांस लेने लगते हैं। जी नॉर्मली 60 बार से भी ज़्यादा सांस लेते हैं, जबकि ऐसे छोटे बच्चे के लिए 40-50 बार सांस लेना 1 मिनट के अंदर नॉर्मल माना गया है, बट ये बच्चे 60 बार से ज़्यादा सांस ले रहे होते ओके हैं ऐसे करते हैं। सर, क्या ट्रीटमेंट है ब्रोंकियोलाइटिस का? ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, ट्रीटमेंट सपोर्टिव है। मतलब सपोर्टिव से मतलब अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है तो उसको एनजी फीडिंग से दूध दें, नाक से ट्यूब डाल के दूध दें या ग्लूकोज लगाएं, दैट इज़ वन थिंग। सर मतलब कोई टेस्ट, किसी एक्सरे की जरूरत टेस्ट नहीं कई है? बार जब बच्चा सीरियस हो जाता है तो हम RSV के लिए RSV PCR वगैरह टेस्ट कराते हैं रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से, अदरवाइज वैसे उसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं एक्सरे होती की है। नो नीड सर? एक्सरे में क्या आता है हमें मालूम ही होता है। जैसे इसमें दो तरह के पैटर्न होते हैं, एक बच्चा आया जो 1-2 दिन पहले खांसी हुई और उसकी तबीयत बिगड़ गई, दूसरे तीसरे दिन पहुंच गया, चौथे दिन बिगड़ गई है, तो जनरली हम उसमें तो एक्सरे नहीं कराना चाहते क्योंकि वो एक उसका एक नेचुरल कोर्स है कि जी ऐसा होना ही था। बट अगर वो जब वो एक स्थिर हो गई स्थिति और उसके बाद दोबारा से खराब होता है तब हम उसमें एक्सरे कराते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3-4 दिन में वो स्टेबल हो गया, फिर वो एक यथास्थिति में आ गया और फिर 7वें 8वें दिन उसकी तबीयत फिर दोबारा डाउन जाती है, तब उसमें हम निमोनिया रूल्ड आउट कराने के लिए एक्सरे कराते हैं। सर, जनरली पेरेंट्स स्टेरॉइड्स या एंटीबायोटिक्स दे देते हैं बच्चों को, क्या वो इस चीज़ में सपोर्ट करती हैं? स्टीरॉयड तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, और जहाँ तक रही एंटीबायोटिक्स की बात, बहुत से लोग आज भी यही मानते हैं कि खांसी का इलाज एंटीबायोटिक है, जी तो वो उन्हें लगता है कि बच्चा सही कैसे होगा ये दवाई नहीं दी तो इसलिए वो एंटीबायोटिक, और कुछ डॉक्टर लिख भी देते हैं एंटीबायोटिक, इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं सर, क्या प्रिवेंशन है ब्रोंकाइटिस का, पेरेंट्स को ध्यान रखना है। चाहिए? ब्रोंकियोलाइटिस का प्रिवेंशन है क्राउडी प्लेसेस में ना जाना, अपने हैंड वॉश करना बार बार, बच्चे के हैंड वॉश करना, उसको किस वगैरह ना करना। आजकल जैसे आज भी एक बच्चा आया था, उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसे किस करते हैं, लिप्स पे किस करते हैं, तो वो सब ठीक नहीं है। ऐसे में बच्चे को एडल्ट वायरस प्रवेश कर जाते हैं और जिससे वो बीमार हो जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।